Hello everyone, my name is Avni. Welcome to Law X by Smart Kira. Last lecture में vocabulary based questions को कैसे tackle करना है और कैसे reading habits के through और vocabulary learning के through हमें अपनी vocabulary बढ़ानी है, words को कैसे समझना है, ये हमने देखा था. आज हम solve करने वाले हैं इसी topic पे कुछ questions. So topic test 1 को हम आज approach करेंगे. So let's begin. चलिए, so देखिए ये है आपका पहला question, okay? एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं, राइट? आपको हो सकता है मेन जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका क्लैट 2024 होगा, हो सकता है उसमें आपको वर्ड्स हाइलाइटेड ना भी मिले. तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस हमें जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वर्ड कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि जब भी आप, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रैटेजी बताते वक्त ये समझाया था कि जब भी आप किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आपको उसके पहले का और बाद का सेंटेंस जरूर पढ़ना चाहिए, ओके? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारा फर्स्ट पैसेज और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और फिर जाके हम उस वर्ड को अप्रोच करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डज द टर्म मार्टिरम मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. नाउ माइंड यू, देयर आस्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मतलब आपको सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपका जो आंसर है वो आपका होना चाहिए. पैसेज के अकॉर्डिंग आपको खुद का इनपुट नहीं देना है. तो चलिए देखते हैं मार्टिरम क्या है. तो ये हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है वहां हमें मिल गया है. तो चलिए पढ़ते हैं उसके पहले की और उसके बाद की भी लाइन को. वो दोनों सेंटेंसेस मीन्स जो उसके एडजेसेंट सेंटेंसेस हैं हम उन्हें भी पढ़ेंगे. थ्रू डेथ द मॉन्क बिकेम मार्टिर एंड सेंट Polycarp, so a story begins to spread Christianity further across the Roman Empire. But his martyrdom represents more than the spread of a single oppressed religion. And now they've given us one more sentence. That's Polycarp, sacrificed in the 2nd century. See, he shows what it can mean to wield death as a form of resistance. यहाँ पे meaning पूछ रहे हैं इस line का. तो मार्टिरम इनके केस में क्या है. वैसे तो मार्टिरम का क्या मतलब होता है, जब कोई शहीद होता है उसे मार्टिर कहते हैं, ओके? तो मार्टिरम मतलब शहादत, मतलब क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए. अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन आप अगर अप्रोच करेंगे, सो व्हाट डज द टर्म मार्टिरम मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. द फर्स्ट वन सेड द स्प्रेड ऑफ अ सिंगल अप्रेस्ड रिलीजन. अगर मैं यहाँ वापस जाती हूँ तो मुझे समझ में आएगा, बट मार्टिरम रिप्रेजेंट्स मोर देन, मतलब वो बात तो नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको क्लियरली खुद ही बताया गया है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा मीनिंग है इसका. फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू डेथ, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर. वी हैव फाउंड अ करेक्ट आंसर ऑलरेडी, बिकॉज ये ही ऑथर का मतलब था और उन्होंने बाय द वे ये आपको दिया भी था. इसका ये मतलब है कि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया है, माइंड यू, ओके? सो आई थिंक हमें ये आंसर मिल गया है, क्योंकि जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाट इट मीन टू वील्ड दैट एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ओके? नेक्स्ट, द फिजिकल रिस्ट्रेंट ऑफ रोमन अथॉरिटीज एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ बोन एज रिलिक्स. ऑब्वियसली सी एंड डी आर ऑब्वियस एलिमिनेशंस हियर. यहाँ पे ए भी वीक ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे ऑथर ने खुद ही बोला है कि जो मार्टिरम का मीनिंग है वो स्प्रेड ऑफ सिंगल ऑपरेस्ड रिलीजन से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी. So this is our next question, students. What does the word exalted mean in the context of the passage? Exalted का meaning आपको context जो passage में है उसके लिए आपको उसके रूप में बताना है. So let's see where is exalted. Yes, I found the word here. इसके पहले का और बाद का sentence पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये line खुद क्या कह रही है. Members of various philosophical streams, prominently Stoicism, use self-inflicted and assisted death as a performance of their exalted position over a debased society. Okay, exalted position over a debased society. इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है. Debased मतलब शायद किसी का लेवल नीचे बताया जा रहा है. Exalted position मतलब शायद एक ऐसी position जो कि higher हो, ज्यादा हो, बड़ी हो. Okay, a well-known example is ये सब दिया हुआ है यहाँ पे example. जो स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ उसे भी पढ़ लेते हैं. द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इज फिल्ड विद मार्टिर्स लाइक पॉलिकार्प, बट मार्टिरम इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. इन द सेटल सोसाइटीज ऑफ द मेडिटेरेनियन बेसिन, मार्टिर्स चैलेंज रिप्रेसिव पॉलिटिकल पावर, मेंबर्स ऑफ सो एंड सो. ओके, आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई सोसाइटी थोड़ी सी हायर है,
ओके सो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बात हो रही है, देखते हैं ऑप्शंस और फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे सही आंसर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है यहाँ पे करप्ट, सेकेंड है करप्ट का मतलब आपको सब पता ही होगा, करप्टेड ऑब्वियसली, सो करप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है। करप्ट एक बात और ध्यान रखिए, करप्ट जस्ट पैसे के थ्रू मतलब जो हम पॉलिटिशियंस के लिए कहते हैं, उसके अलावा भी करप्ट के काफी मतलब होते हैं। जब कोई मॉरली डाउन जाता है, दैट इज ऑल्सो बींग अ फॉर्म ऑफ लेट्स से बींग करप्टेड। डिवाउट, डिवोटी वर्ड आपको शायद पता होगा, डिवाउट का मतलब होता है जो बहुत ही पायस, जो बहुत ही लॉयल तरीके से डेडिकेटेड हो, उसे भी डिवाउट कहते हैं। सुपीरियर और ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड का मतलब जो दूसरों को पीड़ा दे, जो दूसरों को सफर करवाए, ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑप्रेस्ड। आपने सुना होगा ऑप्रेसिव लीडर काफी फेमस है, राइट। अब हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो हमने देखा कि एग्जॉल्टेड का ये मतलब निकल रहा था, या वहां पे आइडिया ये समझ में आ रहा था कि कोई चीज ऊपर है, कोई ग्रुप ऊपर है बाकी सोसाइटी से। ओके सो रादर देन गोइंग फॉर करप्ट, डिवाउट एंड ऑप्रेस्ड, आई थिंक सुपीरियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। ओके तो आपने देखा कि हमने कैसे पता लगाया है, हमने क्या किया है, हमने वहां पे कोशिश करी है सबसे पहले वो लाइन, वो सेंटेंस पढ़ने की, फिर ऑथर जो आइडिया वहां पे देना चाह रहा है उसका मीनिंग हमने समझ के फिर आंसर को अप्रोच किया है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसर्जेंसी एज यूज्ड इन द पैसेज। अगर हम पैसेज पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ सेकेंड लास्ट जो सेंटेंस है वहां पे बात हो रही है इंसर्जेंसी की। अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल आफ्टर लाइफ ऑफ डेथ स्पेसिफिकली थ्रू मार्टिरिज्म हैज बिकम more complex and urgent in a world of oppressive state, control, colonization, insurgency and counter-insurgency. As you can see, यहाँ पे जो पूरी tone है एक तरीके से negative है, okay? तो obviously इसका जो meaning है insurgency का, वो कहीं ना कहीं negative tone से ही relate करेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है control करने की, क्या करने की, यहाँ पे बात हो रही है counter-insurgency करने की, मतलब rebellion type की बातें हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि ये passage से कैसे relate कर रहा है और क्या हो सकता है हमारा appropriate correct answer। Now let's see the options first. A option says a political uprising or rebellion against a government or authority. B says a system of government with a monarch as the head. C says the process of one country taking control of another country or territory. And D says a form of religious worship or devotion. Obviously, religious worship or devotion को आप ऐसे ही eliminate कर सकते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं हो रही है। एक जो person है वो ही lead करेंगे, वो ही head बनेंगे, वो monarch, monarchy type की government की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, तो B भी eliminate आप कर सकते हैं। B और D हम eliminate कर चुके हैं। अब अगर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं ए और सी, तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी कंट्री की बात नहीं हो रही है, इसीलिए सी को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे बात हो रही है रिबेल करने की, कंट्रोल करने की, एक तरीके से प्रोटेस्ट टाइप का करने की, तो इसलिए ए हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, अ पॉलिटिकल अपराइजिंग और रिबेलियन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी। सो लेट अस अप्रोच द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोलिफेरेटेड। Proliferated is the correct pronunciation. अब generally proliferate करने का meaning होता है बढ़ना, rapidly बढ़ना। Proliferate means बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ increase हो जाती है rapidly, उसे कहते हैं proliferate. Okay. Now पहले हम देख लेंगे कि क्या हमारा passage भी same ही meaning को बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर proliferate का कोई दूसरा meaning वहाँ पे बताया गया। So let's see. For this reason, death uses have only proliferated since the days of Polycarp. Okay, yes. यहाँ पे भी एक तरीके से same ही meaning है कि death के uses बढ़ रहे हैं rapidly, increase हो रहे हैं, multiply हो रहे हैं। तो चलिए आप options देख लेते हैं। To decrease in number, ये तो obviously एक let's say काफी obvious elimination था, इस option को काफी easily आप rule out कर सकते हैं। To spread or multiply, ये बहुत अच्छा option sound कर रहा है, यहाँ पे इसे हम side में रख लेते हैं। C, to resist or oppose, no, not at all. In fact, वो contradict कर जाएगा। And lastly, to create or invent something new. यहाँ पे बढ़ने की बात नहीं हो रही, creation as like from zero की बात हो रही है। इसीलिए B और D option को अगर मैं देखूँ, तो D थोड़ा weak option है, और इसलिए हमारा correct option हो जाएगा B. तो ये हो गए हमारे four questions, which were based on passage number one. Now let's check passage two. I can clearly see surveilled autocracy and expropriated, ये तीन वर्ड्स यहाँ हाईलाइटेड हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ओके लेट्स रीड द लाइन, लेट्स रीड द एसोसिएटेड सेंटेंस। रादर देन अलाउ रिलीजियस लाइफ टू ऑपरेट,
outside of Soviet society in the depths of underground, the state could create an official religious life that could be surveilled, regulated, taxed, and most critically used to accomplish political goals. आप यहाँ देख रहे हैं कि surveilled का meaning पूछा हुआ है और उसके आगे के जो words हैं regulated, taxed, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से control करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है. Okay? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि rather than allow religious life to operate outside Soviet society in the depths of underground, state मतलब government को क्या करना चाहिए, create an official religious life that could be controlled, वो control की जा सके, monitor एक तरीके से उसे regulate कर सके. इस तरीके का idea यहाँ पे presented है. अब जाके options को देख लेते हैं. Option one में उन्होंने बोला है ignored, ये तो आप बहुत easily rule out कर पाएंगे. रेगुलेटेड अभी हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड लग रहा है जिस जो आप शायद सर्वेल से कनेक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट एम्ब्रेस्ड, व्हेन यू एम्ब्रेस समथिंग आप उसे अपनाते हैं, बेसिकली यू अग्री टू इट. ओके, एम्ब्रेस एज इन टू अग्री एंड एक तरीके से आप अपनाते हैं जब कोई चीज को. एनकरेज्ड आपको पता ही है, एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, तो ऑब्वियसली आपको ये वर्ड समझ में आ ही गया होगा. अब जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे बात हो रही थी रेगुलेशन करने की या फिर किसी चीज को कंट्रोल करने की, सो रादर देन ए सी एंड बी, बी सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज ऑटोक्रेसी मीन इन द पैसेज. अब जनरली अगर मैं इस वर्ड को डिवाइड करूं तो वहां पे मुझे दो वर्ड रूट्स मिलते हैं, क्रेसी जिसका मतलब होता है रूल करना और ऑटो, ऑटो एज इन वन सिंगल पर्सन. ओके, अब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करूंगी तो ऑटोक्रेसी का जो मीनिंग होता है उसका ये मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो रूल हो रही है एक पर्सन के थ्रू. वन पर्सन इज द लीडर, ओनली वन पर्सन इज लेट्स से द सोल अथॉरिटी. ओके, नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अप टिल नाउ. बट हमें उसको कॉन्टेक्स्ट भी उसका मैच करना पड़ेगा पैसेज के थ्रू, माइंड यू. तो ये हम अभी एक आंसर अपना शॉर्टलिस्ट करके रख लेते हैं और समझ लेते हैं कि शायद ये प्रोबेबली आंसर हो पाएगा, लेकिन हमें एक बार वापस जाके चेक करना पड़ेगा वेदर वो आंसर सही है या नहीं. अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, नो नॉट एट ऑल, दिस इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ ऑटोक्रेसी. अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, एंड लास्टली अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डेलीगेटेड टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज डेमोक्रेसी ऑब्वियसली. तो देख लेते हैं कि पैसेज जो जिस ऑटोक्रेसी की बात कर रहा है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है या नहीं. ओके, सो एज आई कैन सी माय हाइलाइटेड वर्ड ओवर देयर, रशियन ऑर्थोडॉक्सी वाज सिंगल्ड आउट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज टाइज टू द ओल्ड रेजिम एंड इट्स रोल एज पार्टनर टू रशियन ऑटोक्रेसी. ओके, आई थिंक यहाँ पे कोई दूसरा मीनिंग नहीं है. इवन जो अगला सेंटेंस है, रशियन ऑर्थोडॉक्सी वॉज डेंजरस इन द आईज ऑफ बोल्शेविक्स, not just because of its belief system but also its institutional wealth and influence through Russian society. यहाँ पे भी ruling के तहत ही बात चल रही है, ruling के idea को ही यहाँ पे एक तरीके से represent किया जा रहा है, तो obviously आपका जो answer है वो हो जाएगा A. Okay? Moving to the next one then. What is the meaning of expropriated in the passage? Okay, now let's go and check expropriated first. So as I can see, I've found the word here. आप ये last paragraph देख सकते हैं. हम इस लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. दीज मेजर्स इंक्लूडेड री एस्टैब्लिशिंग द मॉस्को पेट्रियार्चेट, द ऑफिशियल सीट ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड एनथ्रोनिंग अ पेट्रियार्क. सीक्रेट प्रॉपर्टीज एक्सप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट कुड वंस अगेन बी यूज्ड बाय द चर्च. जो सीक्रेट प्रॉपर्टी किसके अंडर में थी, गवर्नमेंट के, वो चर्च से, वो चर्च अब यूज कर सकता है. मतलब कोई चीज किसी के अंडर में थी, उस पर उसका हक था और अब वो हक पास हो गया है किसे, चर्च को. इस तरीके का आइडिया मुझे एक बार पढ़ने पर समझ में आ रहा है. स्टूडेंट्स, ये अप्रोच आपके हमेशा काम में आएगी. मैंने आपको बोला भी था, आप पहले अपना वर्जन एक सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें कि अगर ये वर्ड नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता. ओके, तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बात हो रही थी कि कोई चीज किसी के अंडर में है, कोई चीज उसे कंट्रोल कर रही है, इस तरीके की वहां पे बात हो रही थी. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस गिवन. बॉट, रिस्पेक्टेड, कॉन्फिस्केटेड एंड डोनेटेड. ओके, सबसे पहले बॉट, वो परचेजिंग नहीं हुई है, वो एक तरीके से छीना गया है, राइट. तो वहां पे जो आइडिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी कि कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ये बॉट वर्ड का जो यूज है यहाँ पे टोटली इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा. रिस्पेक्टेड तो आप ऑब्वियसली ऑप्ट आउट कर ही सकते हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विद कॉन्फिस्केटेड एंड डोनेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड. इसका मतलब होता है किसी चीज को सीज कर लेना. ओके, किसी चीज को
क्या कर लेना, सीज कर लेना, टेक ओवर कर लेना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो आई थिंक ये बहुत एक अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पे हो पा रहा है, क्योंकि बात यही हो रही है कि पहले जो प्रॉपर्टीज किसके अंडर में थी, स्टेट के, अब उसे किसे किस किसके अंडर में हो जाना चाहिए, अब वो किसके पास आ गई है, वो पास आ गई है चर्च के। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है। और अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को देखती हूँ, डोनेटेड, तो ये डोनेशन वगैरह की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये थोड़ा एक नेगेटिव, माइल्डली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। एंड डोनेशन इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, विच इज वाई आई कैन क्लियरली कंक्लूड दैट ऑप्शन सी, कॉन्फिस्केटेड, विच मीन्स टू सीज, इज द बेस्ट सिनोनिम और लेट्स से मीनिंग ऑफ एक्सप्रोप्रिएटेड एज पर द पैसेज कंसर्न। माइंड यू चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें हमेशा पैसेज के थ्रू ही अपनी बात करनी है। ओके, ये है आपका थर्ड पैसेज। मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे जैसे कि देख पा रही हूँ, इंटरनल, मेटाफिजिक्स, एंड नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूटिज्म, ये हाइलाइटेड है, सो ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी बेस्ड। बोलने का ये मतलब है कि जब भी आप वोकैबुलरी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो कोशिश करें आप उसको पैसेज के थ्रू जरूर लिंक करें, क्योंकि कई बार एक वर्ड के काफी मीनिंग्स होते हैं और पैसेज में हो सकता है उसका कोई और मीनिंग दिया गया हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स इन द पैसेज। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा मेटाफिजिक्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंट एनालोजाइज्ड हिज फ्रेमिंग ऑफ मेटाफिजिक्स टू कोपर्निकस हीलियोसेंट्रिसिज्म इन विच एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्वेशन मेड सेंस ओनली व्हेन ही प्लेस द सन rather than earth at the center. Okay, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है relation to जो planets का position है उससे. Okay, an object of the senses like a new planet observed from telescope, wrote Kant, conforms to the constitution of our faculty of intuition, resolving the perceived discrepancy between the observable world and the mind's contemplation of it. Okay, अगर आप ये पूरा passage देखेंगे starting से भी, तो यहाँ पे बात हो रही है scientific knowledge की, यहाँ पे बात हो रही है positions of planet की। तो एक बार जाके देख लेते हैं कि कैसे ये word को explain किया गया है। So the first thing they have given us is study of matter and energy, second study of physical world, third study of human mind, and lastly study of the nature of reality and existence beyond the physical world. Obviously, physical world के beyond ही यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि कैसे इसकी position से आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं यहाँ पे reframe करने की जो Kant है कोशिश कर रहे हैं. Okay? तो जो words आप यहाँ पे देखेंगे ये clearly इशारा करते हैं last वाले D option की ओर, क्योंकि मैटर और एनर्जी की मैं बात करूं तो सिर्फ मैटर और एनर्जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व है, जो एक रियलिटी के बियॉन्ड, जो एक उससे परे बात हो रही है उसकी यहाँ पे आप देखेंगे कुछ दूसरे वर्ड्स भी। अगर आपको नहीं इस पे समझ में आ पा रहा तो आप दूसरे वर्ड्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंसिबल वर्ल्ड ऑफ सो एंड सो अर्थ, सोलर सिस्टम स्काई। सो ऑब्वियसली अगेन एंड अगेन दे हैव रिपीटेड द यूज ऑफ पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स दैट इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, सो स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन माइंड एंड मैटर एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। सो हमारा ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एज यूज्ड इन द पैसेज। नाउ माइंड यू दे आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूटिज्म, उसका वो मीनिंग नहीं पूछ रहे, वो एंटोनिम मतलब की ऑपोजिट पूछ रहे हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पैसेज एंड लेट्स चेक एब्सोल्यूटिज्म दिया कहाँ है। द एनलाइटमेंट्स रेडिकल पॉलिटिकल फिलोसफी शिफ्टिंग यूरोपियंस गवर्नेंस फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक एब्सोल्यूटिज्म, मतलब की एक तरीके की टोटालिटेरियनशिप, मतलब की एक तरीके की डिक्टेटरशिप से, टू फ्रीडम गेन थ्रू रीजन। यस, टू फ्रीडम गेन थ्रू रीजन मतलब उस थोड़ा सा रेशनल, थोड़ा सा लॉजिकल वर्ल्ड की तरफ यहाँ पर इशारा हो रहा है। आप ध्यान रखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका ऑपोजिट, माइंड यू इसका ऑपोजिट पूछा जा रहा है। मोनार्की का क्या मतलब होता है, जब एक व्यक्ति, जब एक किंग, जब एक मोनार्क क्या करे, रूल करे। एनार्की का मतलब होता है नो गवर्नमेंट सिचुएशन, जब कोई रूल ना हो। लेकिन अगर एनार्की होता है तो बहुत ही केओटिक एक तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है।
टोटालिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक तरीके से, ये एब्सोल्यूटिज्म का मीनिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिक्टेटरशिप की, एक पर्सन की अथॉरिटी की. ओके, सो आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका मीनिंग है. देयरफॉर सी ऑप्शन कैन नॉट बी आर करेक्ट आंसर. आंसर इज डी, डेमोक्रेसी. ओके, आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज डेमोक्रेसी, व्हिच मींस सबके एक प्रॉपर वोटिंग के थ्रू, सबके अग्रीमेंट के थ्रू फिर किसी को इलेक्ट किया जाए. सो ये एब्सोल्यूटिज्म का टोटल विपरीत हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट वन सेज, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंटरनल एज यूज्ड इन द पैसेज. ओके, नाउ माइंड यू, लेट्स गो टू द पैसेज फर्स्ट. इंटरनल का एक्सटर्नल होगा ये तो हम ऐसे ही एक तरीके से बता सकते हैं, बट पैसेज में उसका क्या महत्व है वो एक बार हम कंफर्म जरूर करेंगे. Yes, so as you can see, even आपको first 3-4 lines में ये दिख जाएगा. Enlightenment philosophers were vexed that their expanding empirical science of external material world collided with long-standing religious and moral traditions premised solely on internal a priori knowledge. Internal मतलब deep rooted, something that was very deep rooted already present, जो काफी ingrained है. यहाँ पे internal का meaning ingrained या deep rooted है. अब हमें ऐसा मीनिंग चाहिए जो इसका ऑपोजिट हो, मतलब कि जो अभी आया हो, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू आया हो, जो काफी न्यू हो. लेट्स गो टू द ऑप्शंस देन. इनहेरेंट एक तरीके से यहाँ पे इंटरनल का मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि इनहेरेंट का भी मतलब वही होता है डीप रूटेड. इंट्रिंसिक भी इनग्रेंड ही होता है, तो ये भी मीनिंग हो जाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ऑपोजिट या एंटोनिम पूछा जा रहा है. Now we have two options, extrinsic and introspective. First of all, I want to approach the last word, that is introspective. Introspective banta hai spect se. Spect ka matlab hota hai examine karna. Intro matlab ek tarike se khud ko. Introspective matlab khud ka vishleshan, analyze karna khud ko. Ye word bilkul bhi relate nahi kar raha hai opposite ya meaning internal ke. To baat karte hain aap third ki. एक्सट्रिंसिक इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर से आया है, जो न्यू हो, जो टोटली इन्वॉल्व नहीं हो, जो थोड़ा एलियन टाइप का हो, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो पैसेज है वहां पे इंटरनल का मतलब है समथिंग विच वॉज डीप रूटेड. तो एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से आया हो, जो न्यू हो, इसलिए ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है एज एन एंटोनिम. माइंड यू स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपसे सिनोनिम या फिर एंटोनिम की बात पूछी जा रही है. जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपसे मीनिंग या ऑपोजिट पूछा जा रहा है, तब तक आप क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाएंगे. और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा चांस है कि हो सकता है आप गलत कर दें. ओके, तो प्लीज सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. सेकेंड अप्रोच आपकी ये रहेगी कि उस वर्ड का पैसेज में क्या मीनिंग है, उससे जरूर रिलेट करें. ओके, तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी वोकैबुलरी क्वेश्चंस को अप्रोच करने की. ओके, सो आपने देखा कि कैसे हमने 10 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं जो क्लैट 2024 के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम आपके लिए है, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे जो टॉपिक टेस्ट है वहां पे आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा. तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करते रहे. दैट्स ऑल, आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू एवरीवन.